आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में अपने आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि हमने टाइप वन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपसे टाइप टू डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छा टाइप है और आपको ध्यान से फोकस करना है और अपने क्वेश्चंस को आपके नोट्स में बना के चलना है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमेशा की तरह ही आज का लेक्चर समझ में आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 15 से स्टार्ट। तो टाइप टू हेडिंग लगाइएगा आप सभी लोग। टाइप टू, वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना। टाइप होगा आज हमारा बुक के अकॉर्डिंग टाइप नंबर टू। ठीक, वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना। देखो, सबसे पहले मैं आपको दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले बता दूं। बेसिक से फॉर्मूले थे, जैसे वन से लेकर एन तक, अगर वन से लेकर एन तक संख्याएं हैं और हमें वर्गों का योग निकालना हो, वर्गों का योग निकालना हो, n से वन से n तक संख्याएं हैं और वर्गों का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये सिक्स पूरे के नीचे है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला ये है, एक से n तक संख्याएं हैं और हमें घनों का योग निकालना हो, घनों का योग। तो हमारे पास जो घनों का योग है, देखो वर्गों का योग से क्या मतलब है, जैसे एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर और प्लस ऐसे ही करते हुए प्लस एन तक का स्क्वायर। क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कैसे करते हैं। घनों का योग का मतलब क्या है, घनों का योग का मतलब जैसे एक की क्यूब, दो की क्यूब, तीन की क्यूब प्लस ऐसे ही करते हुए एन की क्यूब। तो ये पूरा सम निकालने का जो तरीका है वो होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल पावर थ्री। ठीक है, ये है। अब देखिए, इसको क्वेश्चन में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो आपको समझना है। इस पर मैंने पीछे भी कुछ क्वेश्चन समझाए हैं और अब भी मैं समझाता चलूँगा आपको। बस आपको फोकस करना है, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या है, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 100। 9, 16, 25 ऐसे ही करते हुए कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, तो देखो ध्यान समझना, हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर भी आएगा, 7, 8 इस तरह से स्क्वायर आते रहेंगे, कहाँ तक है हमारे पास, 10 का स्क्वायर तक। अब देखो, तरीका तो एक ये भी है कि आप भाई 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर आपको याद होते हैं हमेशा ही, आप इन सभी संख्याओं के स्क्वायर लिख के उन्हें जोड़ लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बात है कि हमें अपना टाइम बचाना है, ठीक है, क्योंकि टाइम ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। तो देखो, हम फॉर्मूला जानते हैं, ये एक से होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। फॉर्मूला स्टार्ट होता है वन से, अगर वन से स्टार्ट है, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन यहाँ पे कितने से स्टार्ट है, तीन से स्टार्ट है। तो अगर यहाँ पे वन और टू हो जाते तो, अगर वन और टू हो जाते तो कैसे करते, तो ध्यान देना, मैं इसमें वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर अपनी ओर से लिख रहा हूँ, ठीक, इतने पार्ट में ये एक्स्ट्रा लिख लिया मैंने और यही फिर मैंने क्या कर दिया, बाद में घटा दिया, वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, जो मैंने इधर जोड़ा वो मैंने इधर से घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए दस का स्क्वायर तक मेरे पास एक सीक्वेंस बन गया और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, n की वैल्यू कितनी है, 10।
लास्ट में जिस संख्या का स्क्वायर होगा वही एन होगा, 10 का स्क्वायर तो एन की वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 में एक जोड़ेंगे 11, 11 आएगा, 10 दूनी 20 और एक 21, और बटे कितना आएगा 6। ठीक, ये 1 से लेके यहाँ तक का स्क्वायर आ गया, यहाँ तक का सम आ गया। अब देखो आगे इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसान है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 हो गया गुणा 11, तो 35 गुणा 11 माइनस 5, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। अब देखो 385 आएगा, कितना है गुणा करके, 385 माइनस 5, गुणा तो आप सभी साथ ही कर सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा 380, आंसर अपना आ गया 380। इस तरह से करेंगे, तो मैंने आराम आराम समझाया है, आप बहुत तेज़ी से आंसर लेके आएंगे, बस कॉन्सेप्ट पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, इस बात को आप बार बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सुन करके समझ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम आए तो आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर करके सुने बार बार, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार सुनेंगे आप, तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। ऐसा अक्सर होता है, कोई चीज़ एक बार नहीं समझ में आई, दोबारा वो ज़रूर समझ में जाती है, बस आपको अपनी ओर से कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, कोशिश आप करेंगे, ठीक। मैं तो दोबारा भी सेम रिपीट करूँगा, ठीक है, तो ध्यान देना आप इस बात पर कि कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप जानते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और प्लस ऐसे ही चलते हुए 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है इसमें भी वही गड़बड़ है कि एक से होता तो निकाल लेते, एक से होता तो निकाल लेते ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक से मान लेते हैं, इसमें एक से लेकर 10 तक ऐड कर देंगे, तो ध्यान देना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, हमने इसमें 11 से पहले पहले गायब जो थे वो ऐड कर दिए, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 5 6 7 8 9 10 सारे जो कम थे वो जोड़ दिए, और ये कहाँ तक है 21 के स्क्वायर तक। इसमें जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया वो क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हमने किया 10 तक का, तो ये हमने घटा दिया, जो ऐड करना है वो घटाना भी तो है क्योंकि बैलेंस करना होता है भाई, ठीक है। देखो ध्यान समझो, अब वही फिर से हम अप्लाई कर देंगे, लास्ट में संख्या क्या है 21, मतलब n की वैल्यू 21 हो गई, फॉर्मूला ये लगेगा क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं, वर्गों का योग मतलब, तो फॉर्मूला ये लगेगा, तो n की वैल्यू 21 है, 21 रखा, 21 से एक ज़्यादा 22 रखा, ठीक, 21 दूनी 42 और एक 43, 43 आएगा इधर, अपॉन कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा माइनस, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 10, लास्ट में एन की वैल्यू 10, एक 11, 10 दूनी 20 और एक 21, और बटे कितना यहाँ पर 6 बटे 6, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से ताकि गड़बड़ ना दिखाई दे, ठीक, ये था। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से कटेगा 11, तो 11 सत्ते 77, 77 इंटू 43, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 गुणा 11, 385 आया था पहले, अब भी 385 आएगा, इधर 77 गुणा 44 करेंगे हम लोग, तो 77 इंटू 43 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21 का एक हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 गुणा 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 308, 1 9 2 3, तो 3291 आ गया, कितना आ गया 3291, 385 इसमें से घटा देंगे, 11 में से एक जाएगा 6 बचेगा, इधर 8 में से 8 गया कितना बचा 0, इधर 2 में से 3 नहीं हो सकता तो 12 में से 3 गया कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचा 2, तो 2906 यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो
1926 आना चाहिए, क्योंकि इधर 3017 है, 3215 है और 3311 कुछ गड़बड़ होगी, माइनर सी मिस्टेक हो सकती है। 5 7 35, 385 आया था। ठीक है, ये गुणा एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 2 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से कट गया 11 और 11 की 7 में करी 70 गुना 43, कर लेते हैं। 3 7 21 का एक हासिल, 2 3 7 21 और 2 23, फिर 4 7 28 का 8 हासिल, 2 4 7 28 और 2 30, 1 ओफ ये गलत हो गया यहाँ से। ठीक है, एक आ गया, 8 और 3 11 का 1 हासिल, 1 और 2 और 1 3, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये जब घटाएंगे हम 3311 3311, ठीक है, इसमें से जब हम घटाएंगे तो अपना ये जो है आंसर 2926 ही आएगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से काम करना है, जल्दबाजी में अक्सर छोटी मोटी कैलकुलेशन में एरर आ जाती है। ठीक, इस तरह से करेंगे तो यही है, तरीका नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा आपको तेज करना है। ठीक भाई, तो ये सवाल कैलकुलेटिव है, ये ऐसे करना ही पड़ेगा आपको। ठीक, ये सवाल तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, देखिए जरा 17 नंबर में क्या बोला गया। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ……x का स्क्वायर बराबर है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 6, चलो कोई बात नहीं, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 19 का स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये तो आपको याद भी रखना है, एक रिज़ल्ट है, ये बताया था मैंने आपको, एक रिज़ल्ट है कि अगर विषम संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो, 1 3 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर n का स्क्वायर, ऐसे निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। अब संख्या आपके सामने लिखी हुई है, n की वैल्यू 19 है, यहाँ पे 19 रखिए और मुझे तेज़ी से फटाफट करके दिखाइए कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे करके दिखाइएगा, वेट करता हूँ आपके आंसर का। सवाल आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, आपको इस सवाल का आंसर करना है, चलेगा भाई मैच करना आप सभी लोग। एन की वैल्यू 19 है तो यहाँ पे 19 रखेंगे, 19 से एक ज़्यादा 20 और फिर 21, तो 19 गुणा 20 और गुणा 21 बटे कितना 6, बस कैलकुलेटिव था। और क्या करना है, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 से कटेगा ये 10 बार, तो ये क्या हो जाएगा 70, 19 गुना 70 और 19 70 70 और 7 निम 63, 133 पक्का, 133 तो 133 यानी कि 1330 आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई अपना आंसर क्या दे रखा है, 1330 बिल्कुल सही है, 1330 यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए बड़ा आसान सवाल था, हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना समर्थन दीजिए, कोई नेता नहीं है, बस आप अपना समर्थन दीजिए। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। आगे चलते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें सभी साथी तक अपने, और आपको ये बात बता दूँ, बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि ये जो आपने बुक चलाई हुई है ये इस एग्ज़ाम के लिए होगी या नहीं, उस एग्ज़ाम के लिए होगी या नहीं, कोई पूछता है रेलवे के लिए, कोई पूछता है यूपी पुलिस, कोई NTPC, कोई ग्रुप डी, ठीक है, और कोई दिल्ली पुलिस, मतलब अलग अलग, और कोई पूछता है कि सर यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, भाई यही तो सिलेबस है सारे मैथ का, ये कॉमन सिलेबस है। ठीक, तो ये तो सभी एग्ज़ाम के लिए है जो नॉर्मल आपके एग्ज़ाम है। अब ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़े जैसे कि CGL CPO CDS उनके लिए नहीं, लेकिन जो ठीक ठाक लेवल के है SSC MTS तक का,
ठीक है, इसमें काम कर जाएगा, तो आप इसको आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। देख क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखाई देगा, क्या कहा गया? क्वेश्चन ये कहता है कि दो प्राकृतिक, ध्यान देना, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, चाहे तो क्रमागत सम संख्याएं हो। आप मेरी इस बात को ध्यान समझिए, मैंने समझाया पहले भी, चाहे तो क्रमागत सम हो चाहे क्रमागत विषम हो, हमेशा इनके बीच गैप कितने का होता है? दो का। तो पहली विषम x है, तो इससे जस्ट अगली विषम क्या होगी? x प्लस टू। इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर दिया, वर्गों का योग कितना है? 394, ये दिया हुआ सवाल में, ठीक है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान निकालना है, संख्याओं का योगफल अपने आप निकाल लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स, 394, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया अपना? टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया? फोर एक्स, ये प्लस के चार माइनस के 394। एक एक चीज़ लिख लिख के समझा रहा हूँ, शॉर्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, कैलकुलेशन को जल्दी करना ही बस शॉर्ट होता है। यहाँ पे आ गया माइनस के 390, दो से डिवाइड कर लो, इक्वेशन छोटा हो जाएगा, दो से डिवाइड करते ही बनेगा एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस के, दो एकम दो और दो नीम 18, दो पंजे 10, ये आ गया, ठीक। इसके फैक्टर हम करेंगे, जब फैक्टर आएंगे x प्लस 15 और x माइनस 13, फैक्टर करना नाइन्थ क्लास का काम है, आई होप कि आपसे आता होगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 15, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 13। अब क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में? दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्या बोला था, अब प्राकृतिक संख्या क्या होगी? प्राकृतिक संख्या माइनस में तो होती नहीं है, हमने क्या पढ़ा है कि एक दो तीन ऐसे ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो माइनस वाली प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसे हम नहीं लेंगे। इसका मतलब हमारा जो एक्स का वैल्यू पॉसिबल होगी, जो मान्य होगी, वो 13 होगी। तो हमारे पास 13 आ गई एक वैल्यू, संख्या क्या थी? एक्स थी और एक्स प्लस दो थी, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 13 एक्स की, और 13 से दो फालतू कितना होगा? 15। दोनों विषम हैं, दोनों को जैसे जोड़ोगे आप, 13 और 15 कितना आएगा? 28। बस यही पूछ रहा है वो, दोनों संख्याओं का योग बताइए, 13 और 15 कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। जल्दी से आप इस सवाल को नोट कीजिए, आसान था बड़ा ही, फटाफट आप तेज़ी से नोट करिएगा इस सवाल को, बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 19 पर, देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, आप सभी साथियों को मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको समय समय पर सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, जैसे करंट अफेयर का, अब PDF जो है करंट अफेयर की, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सीधा भेजने लगे हैं। तो आप वेबसाइट पर कुछ को दिक्कत हो रही थी जाने में, डाउनलोड करने में, तो जिन्हें दिक्कत है वो टेलीग्राम ग्रुप से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन्हें दिक्कत नहीं है, जो वेबसाइट से करते हैं, वो आराम से वेबसाइट से कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। जिन्हें प्रॉब्लम थी उनके लिए ये सोल्यूशन किया गया है, ठीक है भाई, तो आप लोग वहाँ से करना। अगला जो है 19वां नंबर का सवाल, बड़ा आसान सवाल है ये भी, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब और ये 10 के क्यूब तक, इनका सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19, देखो भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे कहाँ तक? 10 का क्यूब, ये हमें सम निकालना है। सिंपल है, आपके सामने लिखा है मैंने फॉर्मूला, अगर एक से लेकर एन तक हो, मतलब एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब और ऐसे एन का, जो लास्ट में संख्या होगी वही एन होगी, तो फॉर्मूला रहेगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल क्यूब, होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर है, ठीक है। छोटे छोटे शहरों में बहुत ही तुनक तुनक से गलतियाँ होती रहती हैं। एन की वैल्यू है 10, 10 रखा, एन से एक ज़्यादा मतलब 11 और बटे 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। 2 से 10 कितनी बार कटेगा? 5, 11 पंजे कितना हो गया? 55, 55,
55 का स्क्वायर कितना जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर 25 और 5 से एक ज़्यादा, 5 6 30, 30 25 आपका आंसर आ गया। जल्दी से आप छापे फटाफट, तेज़ी से तेज़ी से छापिए फटाफट। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 19वें का ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से आप लोग इसे छापिएगा, स्क्रीन शॉट लीजिए, कोई सा भी शॉट लीजिए, लेकिन आप इसे छापिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। सभी साथी वीडियो को लाइक करके चले साथ ही साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा मन का जो बल है, जो आत्मबल है, वो बढ़ता है, और वो बढ़ेगा तो फिर मज़ा ही अलग आएगा। देखो फिर अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या है भाई, 20वां सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है, बहुत आसान है। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 10 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 20, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और कहाँ तक, 10 का क्यूब, ये निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो एक से काम करता है। अगर हमारे पास एक से एन तक संख्याएं हो तो काम करेगा। हमारे पास इसमें कौन कौन से टर्म नहीं है, 1 से लेकर 4 तक नहीं है। तो हम एक से लेकर पूरा 10 तक का सम निकाल लेंगे। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घन का योग निकाल लेंगे। जो हमने फालतू लिया वो घटा देंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये हमने फालतू लिया तो इसे घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा अपना, अभी हमने क्या निकाला था, हमारा जो आंसर आया था 30 25, तो इसका 30 25 आया था हमारे पास, अभी 1 से लेकर 10 तक ही था ना, 1 से लेकर 10 तक था, बिल्कुल 30 25 आया था। इसका सीधे सीधे निकाल लेंगे, कितना आएगा, 64 और 9, 64 नहीं, एक बार लिख लेते हैं, 1 8, अभी गलत हो जाता, 27 और ये 64। ठीक, तो ये हो गया 8 और 1 9, 9 और 27 36, 36 इसमें जोड़ेंगे तो 100, इसमें से 100 घटा देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 2925। ठीक है, 2925 हमारा सही जवाब होगा, यही आंसर अपना सही है, ऑप्शन नंबर डी है, 20वें का डी, ठीक, करेक्ट आंसर है 2925। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है, क्या बहुत भारी है, नहीं है बहुत भारी नहीं है, बस जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला दिमाग से निकल गया तो भाई साहब बिल्कुल कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको बचा ले, तो फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब हम क्वेश्चन में जब घुस ही गए तो हम क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से, रेगुलर हमारे वीडियो आपके पास आ रहे हैं, कोई दुख तकलीफ़ हमें हो जाए तो ही वीडियो रुक पाता है। जैसे कि कल वीडियो नहीं आ पाया, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, वायर टूट गई थी, तो उसमें रिपेयरिंग में टाइम लगा और फिर आपका वीडियो नहीं आ पाया। आगे देखिए ज़रा, 21वां नंबर का सवाल, 21वां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल नंबर 21। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, ऐसे ही 10 क्यूब, ये वैल्यू दे दी 30 25। जानते हैं आप सभी, अभी तो ये हमने सवाल भी किया था 30 25। आगे क्या कह रहा है, 4 32 108, 4 32 108 प्लस 4000, 4000 तक हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखो गिवन क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 10 का क्यूब, इसका सम दिया हुआ है 30 25। हमसे पूछा गया 4 32 + 108 + 4000, ये सबका जोड़ निकालना है। इसमें देखो क्या करेंगे, ध्यान से हम 4 कॉमन लेंगे। पहले मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट क्या समझना है, बस की पॉइंट पे आंसर देना, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 4 8 कितना बचेगा, 32, 4 से काटोगे 108, 27,
आगे भी ऐसे ही, 4 से 4,000 काटोगे तो कितना बचेगा, 1,000। ठीक, 4 तो बाहर रख के चलेंगे, 1 को 1 का क्यूब लिखेंगे, 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे, 27 को 3 का क्यूब, ऐसे चलते जाएंगे, 1,000 को 10 का क्यूब लिखेंगे। आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 30 25। तो 30 चौक 120 यानी कि 12,000, और 25 चौका 100, तो 12,100 आपका आंसर आ जाएगा, 12,100 ये आपका आंसर है। तो ये इतना सारा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आपको बिल्कुल भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में सोचना है, क्या मन में ये सोचना है कि यहाँ पर जो 4 है, 32 है, 108 है, 4,000 है, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लिया जाए, अगर यहाँ से सभी से 4 कॉमन ले लिया जाए तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब बनेगा। ये वैल्यू वाली रख देंगे, 30 25, 4 से गुणा कर देंगे, 12,100 आंसर आ जाएगा, एक झटके में काम तमाम। ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है, ये मन ही मन सोचना है, बहुत आसान है सोचना, इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं है। आगे चलते हैं। सॉरी भाई, आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर अपना 22, क्वेश्चन नंबर 22। आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 22 भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अच्छा सवाल है 22 हुआ। तो देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और फिर से वही वैल्यू दे दी, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 10 क्यूब, गिविन दैट 3,025। वैल्यू क्या पूछ रहा है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 20 का क्यूब। थोड़ी सी आपसे चालाकी करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप ठहरे विद्वान, ज्ञानी, होशियार छात्र, सारे भाई मेरे होशियार हैं एकदम मस्त वाले। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, आप एक बात देखो, इसका डबल है ना, ध्यान समझना, इसका डबल है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर आगे यहाँ पे 3 की घात 3 आएगा, 3 का डबल 6, 10 का डबल 20। अभी आपको जस्ट डबल दिखाई दे रहा है, जस्ट डबल दिखाई दे रहा है, मेरी बात को बहुत गौर से समझो, बहुत ही गौर से, कितनी गौर से देखो, कितनी गौर से, बस इस लाइन को एक बार लिख के समझा रहा हूँ, फिर आप ये सवाल बिना लिखे ही कर डालेंगे, बहुत गौर से समझिएगा। देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 की घात 3। ठीक, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 की घात 3। ऐसे ही आगे भी 20 के लिए भी मैं ये बात लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 10 की घात 3। ठीक, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक बात को गौर समझो, 1 का कितने गुणा दिखाई दिया, 2 की घात 3, 1 का कितना गुणा दिखाई दिया, 2 की घात 3। यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 3, समझो लिख के बता रहा हूँ, फिर आप इसे बिना लिखे कर लोगे, बस वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको दिखानी है। 3 की घात 3, घातें अलग अलग कर ली, 2 की अलग 3 की अलग, 2 की घात 3 और 10 की घात 3। ठीक है, ये कर लिया। आप एक बात को समझिए, यहाँ पर हमें 1 का, ये तो 1 ही रहा, इसको 1 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 1 की घात 3, 1 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, 2 की घात 3, ये 2 की घात 3 था, 2 की घात 3 ये रहा, इसका भी कितने गुना दिखाई दे रहा है, 2 की घात 3, 3 की घात 3 था, 3 की घात 3 ये रहा, इसका कितने गुना दिखाई दे रहा है, 2 की घात 3, 10 की घात 3 था, 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 का 2 गुना 2 की घात 3 दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग ये है कि हर टर्म में 2 की घात 3 से गुणा हो रही है, फिर अंदर क्या बचेगा, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और ऐसे कहाँ तक, 10 की घात 3 तक। सिंपली 2 की घात 3 का मतलब है 8, इस ब्रैकेट की वैल्यू जाएगी 30 25, जैसे गुणा करेंगे हम, 8 3 24 और 25 8 200, तो 24,200 आंसर आएगा।
24,200। अब आप कहेंगे पेपर में ऐसे करना है, पेपर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, और ऐसे करने का कोई पेपर में फ़ायदा भी नहीं है। पेपर में क्या करना है, दोबारा से मैं इसे हटा रहा हूँ और बस अब मैं वर्बली समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप रिपीट करके 2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। पक्का 2 से 3 बार देखिए, जिसके नहीं आया और जिसके आ गया वो कंटिन्यू करे। देखो करना क्या है, ये समझना है कि इसका डबल हो रहा है। डबल मतलब 2 घात 3, इसका डबल मतलब इसका 2 घात 3 गुना, इसका डबल मतलब 2 घात 3 गुना, इसका डबल मतलब 2 घात 3 गुना। जितनी ऊपर घात है उतनी ही घात आपको 2 की भी लगानी है, जितनी ऊपर घात है उतनी ही आपको 2 की भी घात लगानी है, ठीक। अगर आपको सीधा सीधा दिखाई दे इसका डबल हो रहा है, तो इसका डबल नहीं, इसका 2 गुना की घात 3, मतलब इसमें 2 की घात 3 से गुना करके ये आया, इसमें 2 की घात 3 से गुना करके ये आया, इसमें 2 घात 3 से, तो मतलब इसका ये पूरा का पूरा 8 गुना है। इसमें ही इसी से बना है ये, समझना, इसी से बना है, पहले से ही बना है ये, पहले वाले से ही ये दूसरे वाला बना है, लेकिन कैसे, 2 की घात 3 से गुणा करके, 2 की घात 3 से गुणा करके। तो इसका मतलब इस वैल्यू में 2 की घात 3 से यानी कि 8 से गुणा कर देनी है। किससे गुणा कर देनी है, 8 से, तो 30 25 में 8 से गुणा कर देना, 24,200 बिल्कुल क्लियर आंसर होगा, ठीक है। ये सवाल था। आगे चलते हैं हम लोग, आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हमने इसे कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला टाइप होगा अपना, इसमें देखिएगा यहाँ पर कितने सवाल आपको दिए गए हैं। अगले टाइप में यहाँ पर 23 से स्टार्ट होता है, ठीक, और 23 से करते हुए इसमें सवाल दिए गए 40 तक, तो लगभग 15 क्वेश्चन हैं, 15, 16, 17 क्वेश्चन हैं टाइप थर्ड में। तो आज हमने कितने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए, 15, 16, 17, 3 और 3, 6 और 2, 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। 8 के 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके अपना प्यार बढ़ाइए, और इसे आपको शेयर जरूर करना है, और आप लोग कमेंट कम करते हैं, कमेंट भी किया करें, ठीक। कमेंट करिए, जितना हो सके आप पॉजिटिव कमेंट करिए। अगर कोई निगेटिविटी आपको क्लास में दिखाई देती है या क्लास में कोई कमी आपको दिखाई देती है, हालांकि बिल्कुल नहीं है कमी, ना के बराबर कमी है, आप वो बता सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगा और इसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं अपना पढ़ाने का तरीका जानता हूँ कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाइप थर्ड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज लीजिए। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।